डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन दैक्चर सीरीज ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड इन दिस लेक् वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनटिविटी इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन एफिनीटी के बारे में यानि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले है विद्युत ऋणात्मकता के बारे में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट वट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है So it is the relative tendency of an atom to attract the shared pair of electrons and these shared pair of electrons they are also known as bond pair of electrons in a compound towards itself is called electronegativity. तो हमें एक मॉलिक्यूल देखना है बच्चों इस मॉलिक्यूल में दो एटम हमने दिखाए हैं फॉर एग्जाम्पल तो यहां पर आप देखिए ये दो एटम एक एक्स है एक वाई है और यहां पर आप दो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं बीच में और या एक इलेक्ट्रॉन एक्स का है दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है दैट इज ऑफ वाई और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इनके बीच में है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दो इलेक्ट्रॉन इसमें है इसे हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड बना रहा है सो दिस इज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड वाई इफ दे आर इक्वल देन दिस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट इन बिटवीन दीज टू एटम्स अगर x और y की वैद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बीच में है देखिए दोनों के बीच में है और इसको हम कह रहे हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड ये इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना रहा है कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें ये भी एक एक्स वाई मॉलिक्यूल है और इस एक्स वाई मॉलिक्यूल में एक्स कि अगर जो इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो क्षमता है अगर वो वाई से अधिक हो तो जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए हमने कहा कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से अधिक है तो जब तक वाई नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है कि कम है सो टू 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 डिफाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स वी वी हैव टू बी एन अनदर एटम दैट इज वाई तो अगर हमें एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है तो हमें वाई भी चाहिए दूसरा इसके रिलेशन में जिसके रिलेशन में हम बताने वाले हैं कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है या कम है तो इसलिए हम कहते हैं इसको रिलेटिव टेंडेंसी तो एक एटम की नहीं दो एटम के बीच में हम तब बताएंगे कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और दूसरे की क्या है कम है ओके अगेन अब आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में हमने दिखाया है कि एक्स की जो जो रिलेटिव टेंडेंसी है वो वाई से अधिक है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में थे जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सी थी तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स एक्स इसका मतलब एक्स इनको अपनी ओर खींच रहा है क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है अधिक है और दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसकी ओर आ गए कंप्लीटली तो नहीं आए बट ये इसकी ओर हो गए हैं तो उस केस में आप देखेंगे कि एक्स के ऊपर देखिए स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया और वाई के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट शिफ्टिंग तो नहीं है बट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं क्योंकि ये शिफ्ट हुए हैं इसलिए एक्स की ओर शिफ्ट हुए हैं इसलिए एक्स के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और वाई के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इससे ये दूर चले गए इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस एक कोवलेंट बॉन्ड है एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम की ओर चला गया शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट्स इसकी ओर ये शिफ्ट हो गया है तो इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो कि एक रिलेटिव टेंडेंसी होती है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल में सो अक्रॉस अ पीरियड एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है क्यों होती है एक कारण तो यह है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में तो आपने देखा था कि साइज क्या होता है डिक्रीज होता है क्यों होता है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ पॉइंट सिक्स फाइव तो साइज छोटा होगा जितना छोटा साइज होगा उतना अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्योंकि साइज छोटा है तो न्यूक्लियस नजदीक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी अधिक होगी इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे साइज छोटा होता है तो साइज डिक्रीज इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनक्रीजेस ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरा हम एक और कारण बता सकते हैं देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन है कार्बन के केस में आप देख सकते हैं कि 2p2 यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं वो हाफ फील्ड से कम है तो हाफ फील्ड से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट उतना नहीं करेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी जबकि ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इन द प्री ऑर्बिटर्स दे आर मोर देन हाफ फील्ड ओके तो मोर देन हाफ फील्ड है तो ये अट्रैक्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है तो ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की होगी अगर ऑर्बिटल मोर देन हाफ फिल्ड होगा अगर ये लेस देन हाफ फिल्ड होगा ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से डोनेट कर सकता है इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी अट्रैक्ट करने की कम होगी तो इस वजह से आप देखेंगे एक्रॉस पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है बढ़ती है अब अगर हम डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डाउन ग्रुप इट डिक्रीजेस ये क्या होती है घटती जाती है क्यों टॉप टू टौ बॉटम जब हम जाएंगे तो क्या होगा देखिए ऑक्सीजन और सल्फर का एग्जाम्पल हमने लिया है तो यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो टू पी फोर में जा रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉन थ्री पी फोर में जा रहा है तो क्या हुआ शेल बढ़ गया नंबर ऑफ शेल्स इनक्रीजेस तो जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज विल इंक्रीज साइज क्या होगा इंक्रीज होगा सो so, जैसे साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस दूर हो जाएगा बाहर से बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स साइज बड़ा हो गया तो अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो डिक्रीज एंड इफ द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो डाउन अ ग्रोप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेज एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इज सो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी विल डिक्रीज तो क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो इसको हम पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप देखेंगे लेफ्ट टू तो राइट अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज और अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी डिक्रीज होगी यहाँ हम कह सकते हैं बॉटम टू अप क्या होगी ये इंक्रीज होगी तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो यहां पर हेलोजेंस हैं उनकी सबसे अधिक होती है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एल्कली मेटल्स है उनकी क्या होगी सबसे कम होगी जो लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट है देयर आर सम समलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी कुछ एक्सेप्शन है नोबल गैसेस नोबल गैसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है इट इज कम्पलीटली फील्ड सो दे कैन नॉट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स और पहले से ही फील्ड है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को सो दे हैव नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और अगर हम लेंथे नाइट्स एंड को देखेंगे तो वहां पर कोई ऐसा ट्रेंड नहीं दिखाई देता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का Uh, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है वहां पर तो ये दो एक्सेप्शन है जहां पर आप देखेंगे कि नोबल गैसेस के केस में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नहीं है लेथेनाइट एक्टेनाइट्स के केस में भी कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि जिसको हम कह सकें जबकि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो ट्रेंड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी ट्रेंड है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है वैन वू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे कहते हैं और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो इंक्रीज होगी और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज और ये आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या है टेंडेंसी है रिलेटिव टेंडेंसी